गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, मैं मोहम्मद यामीन, आपका भाई, आपका दोस्त। मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि सोशल एडवर्ड में कुछ लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि कभी सेम आईपी एड्रेस आ जाता है, कभी आप कुछ एरर आ जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र की जो हिस्ट्री होती है सेटिंग में जाके उसकी हिस्ट्री को क्लियर करना है। तो आप कुछ लोग कहते हैं सर वो हमें हिस्ट्री कैसे क्लियर होगी, कैसे नहीं होगी, वो हमें थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं इस टाइम पे सोशल एडवर्ट की साइट खोले हुए हूँ और ये क्रोम ब्राउज़र में खुली हुई है और ऊपर आपको सर्च इंजन दिख रहा है जहाँ पर हमने socialadvert.us.com डाल रखा है। उसके बराबर में यहाँ पर साइट से राइट हैंड पर ऊपर तीन बिंदी आती हैं जो लाइन से खड़ी हुई हैं, वहाँ हमें क्लिक करना है। जब हम वहाँ क्लिक करेंगे वहाँ से एक सेटिंग ओपन हो जाती है। तो सेटिंग में आप देखिए बहुत सारी आपको लिखा हुआ होगा बुकमार्क, रिसेंट टैब। तो यहाँ हिस्ट्री है होती है एक, वो हिस्ट्री जो होगी हम उस हिस्ट्री पे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी हिस्ट्री ओपन हो जाती है जहाँ पे सारी जब से हम काम कर रहे हैं तब से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप ये हिस्ट्री क्लियर करेंगे तो उससे पहले आपको अपना आईडी पासवर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री डिलीट कर दी तो आपका अगर आईडी पासवर्ड पहले से सेव है तो वो आपका पासवर्ड भी ख़त्म हो जाएगा जो सेव पासवर्ड होता है। और अगर हाँ आप पुरानी आईडी को ख़त्म ही करना चाह रहे हैं तो आप वो छोड़िए, कि अगर आपने कभी खोली नहीं है या कुछ कोई दिक्कत है वहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो क्लियर ब्राउजिंग डाटा लिखा हुआ है तो बस वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दो तरीके के आपको सेटिंग खुले दिखाई देगी, एक बेसिक और एक एडवांस। तो आप यहाँ पे मेरी राय से एडवांस में जाएं और यहाँ पे जो ऑल टाइम लिखा हुआ है तो ये मैंने ऑल टाइम क्लियर मतलब जो है सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए ऑल टाइम दिख रहा है। नहीं तो अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे 7 days 4 weeks यानी जितने दिनों का भी हम डाटा क्लियर करना चाहते हैं उतने दिन का ही हमारा डाटा क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पर ऑल टाइम क्लियर करना है, आपको बताता हूँ। ऑल टाइम क्लियर करने बाद में इसको थोड़ा सा ऊपर करना और ये जितनी भी हम ये देख रहे हैं टिक लगी हुई है हमारी सारी, कि कहीं अगर टिक नहीं लगी हुई है तो उस पर टिक लगा दें। और उसके बाद यहाँ पर नीचे क्लियर डाटा लिखा हुआ, बस यहाँ पर क्लियर डाटा पर हम इसको क्लिक कर देंगे और ये हमारा डाटा सारा क्लियर हो जाएगा। मैं भी अपना डाटा क्लियर नहीं कर रहा हूँ, बस आपको अगर करना है तो आप यहाँ पर अपना डाटा क्लियर करेंगे और आपका डाटा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी साइट पे एक बार फिर से बैक जाना है और यहाँ से आपको लॉगिन करना है और अपने लॉगिन में आईडी पासवर्ड डालेंगे और आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों को इसके समझ में आ गया होगा प्रोसेसर। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।